शास्त्र भी बाबा ये वेद माना जानकारी तो ये शास्त्रों में जो चार वेद बताए हैं अथर्ववेद ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद ये किस आधार पर और कैसे पढ़े? कोई भी दुनिया की चीज कोई भी वस्तु कोई भी व्यक्ति कोई भी समय का क्रम कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? वेद जब आज में बने तो कोई वेद तो आज में बना होगा ना, तो सबसे जास्ती सात्विक वेद कौन सा हुआ? ऋग्वेद। दूसरा नंबर होगा, तीसरा नंबर भी होगा और चौथा नंबर भी होगा। जो भी निर्मल मधुमान बनाए है वह बनाने के निमित्त वह स्थान की एक आत्मा बनी है या सब आत्माओं के सहयोग से बनी है? स्थान देता है उसके पास स्थान है वो स्थान देता है क्या? बिल्डिंग नहीं दी है किसी ने स्थान दिया, फिर कोई के पास धन है तो उन्होंने बिल्डिंग बनाने के लिए धन दिया। कोई के पास घर में खाना पीना रखा हुआ है बर्तन बाड़े रखे हुए हैं तो वो देता है, जिसकी जितनी बसात है बिसात है उतना देता है, लेकिन एक को देता है या अनेकों को देता है? एक को देता है, परंतु देने वाले या ना देने वाले दोनों के कल्याण के लिए बनता है। सबके कल्याण के लिए बनता है, या कोई पार्शियलिटी होती है? सबके लिए है तो ये नहीं कह सकते कि मिनी मधुबन जो भी बनाए जाते हैं वो कोई एक की धन संपत्ति है या उस एक का वर्चस्व है, ये नहीं हो सकता। अगर खुदा न खास्ता कोई अपनी धौंस जमाने भी लगे कि हमने सबसे जास्ती सहयोग दिया, वो मिनी मधुबन आगे चल करके ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मधुबन माने ही मधुसूदन का घर, मधु और कैटब नाम के दो राक्षस हुए, उनको मारने वाले के नाम पर उसका नाम मधुसूदन पड़ा। शास्त्रों में तो कृष्ण को समझ लिया है, लेकिन है किसके लिए है? ये बात है शिव बाबा के लिए। शिव बाबा ही आकर के हमको मधुमन में रहने लायक बनाता है। शिव अर्थात कल्याणकारी, कल्याणकारी बाप आते हैं तो कल्याणकारी घर बनाते हैं। जो बेहद का घर है उसका नाम क्या है? परम धाम, शांति धाम। वहां आत्मा शांत में रहती है ना। सबसे मीठी स्टेज कौन सी होती है? आत्म की स्टेज, और आत्मा का घर है शांति धाम।
उसको कहते हैं मीठे बाप का मीठा घर, आबू अब्बा का घर। जैसे निराकार में है वैसे साकार में भी संपन्न स्टेज में होना चाहिए। मिनी मधुबन होगा तो कभी ब्राड मधुबन बनेगा या नहीं बनेगा है? महामधुबन भी बनेगा तब उसे कहेंगे तुम बच्चे परमधाम को इस धरती पर उतार लेंगे। मैंने ऐसा भी संगठन हो जाएगा बच्चों का जहाँ सब बच्चे निराकारी स्टेज में होंगे, सब बच्चे मीठी स्टेज में होंगे, कोई किसी को दुख देने वाली स्टेज में नहीं होगा। इसलिए उसका नाम रख दिया मधु माने मीठा और वन माने जंगल जैसी वैराग्य वृत्ति भी और मिठास वृत्ति भी। तो निमित्त किसी एक को कहेंगे क्या है? अगर कहें भी तो भक्ति मार्ग में नाम रख दिया है मधुबन। जो भी नाम रखा है वो काम के आधार पर रखा होगा। जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसको स्मशान की तरफ ले जाते समय पैर उसके स्मशान की तरफ रहते हैं और रेस्टलेस आता है, माना विसाव देने का टाइम आता है तो उसका मुंह फेरा जाता है, बेहद में आवश्यक है। यहाँ भी जो आत्माएं जीते जी मरती जाएंगी तो उनका बुद्ध रूपी पांव इस दुनिया की तरफ होगा या शांति धाम की तरफ होगा, बाप के घर की तरफ होगा? तो मुंह को घुमा ही दिया जाता है। दादी ने शरीर छोड़ी तो जन्म दादी ने शरीर छोड़ा है सर कहाँ पर प्रकाश होने दादी ने? दादी जिसको अपना बाप समझती थी, करता धरता धनी धोरी समझती थी, उन्होंने शरीर से जन्म लिया या सूक्ष्म शरीर से पाठ बजाए रहे? सूक्ष्म शरीर से पाठ बजाए रहे हैं, उसी को उन्होंने दिखाई दिया संदेशियों के द्वारा कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म लिया। अब उसका अर्थ कोई न समझे तो क्या किया जाए? बाप तो बेहद का बाप है, बेहद की बात बताते हैं। नेपाल में जन्म नहीं लिया, नई दुनिया की पालना करने वालों का जो संगठन है उसमें जाकर जन्म लिया। बाबा की माता पिता है ऐसे बहुत भक्ति में है इस तरह का तो याद कैसे निकला बाबा? जो दादी का परिवार होगा वो भक्तों का परिवार होगा या सूर्यवंशियों का परिवार होगा? भक्तों का परिवार होगा। तो जो भक्तों का परिवार होगा उसी में जाके उनको सेवा करनी है, नहीं तो ब्रह्मा बाबा अपने साथ रखते ना सूक्ष्म मतलब में 10-12 दिन रह करके फिर क्यों बताया? वहाँ हटाई दिया, इसीलिए हटाई दिया कि उनकी दुनिया अलग, उनका ग्रुप अलग, और ब्रह्मा और प्रकृति की सोल की आत्मा का ग्रुप अलग। वो चंद्रवंशी ग्रुप है कौन सा? जिसमें ब्रह्मा की आत्मा पार्ट बजाती है विशेष, और साकार दुनिया में आकर के जब बीजू के स्टेज में पार्ट बजाती है तो सूर्यवंशी में पार्ट बजाती है, और दादी का ग्रुप अलग। या तो उनको पार्ट बजाना है कौन से वंश में? इस्लाम वंश में, या तो उनको पाठ बजाना है मुस्लिम वंश में। क्यों?
क्योंकि दादी जब जीवित थी, मम्मा जब जीवित थी, उस समय से ही उनका ये लक्ष्य था कि मैं बाबा की वारसदार बनूंगी। तो जैसा लक्ष्य वैसे ही लक्षण आते हैं। बाबा बनेंगे सतयुग का पहला प्रिंस, जो पहला प्रिंस बनेगा वो बनेगा सतयुग का पहला नारायण। वो पहला नारायण 16 कला संपूर्ण होगा या कम कला वाला होगा? 16 कला संपूर्ण वाला होगा। फिर उनका जो उत्तराधिकारी होगा, वारसदार होगा, वो प्रिंस बन के पैदा होगा ना, बड़ा हो करके सेकंड नारायण बनेगा ना। तो सेकंड नारायण 16 कला संपूर्ण होगा या कुछ कम कला वाला होगा? वृत्ति कला का होगा या संपन्न संपूर्ण 16 कला संपूर्ण होगा? वृत्ति कला का होगा। जैसा पुरुषार्थी वैसी प्रारब्ध वाला होगा। तो दादी ने जो लक्ष्य लिया वो लक्षण उनमें आ जाते हैं। इसलिए उस सतयुग में तो आवेंगी, परंतु कौन सा नंबर का नारायण बनेगी? नंबर 2 का नारायण बनेगी। कहें कि नंबर 3 अर्थात थर्ड क्लास नारायण बनेगी। नंबर 3 कैसे? संगनुधि नारायण नरसे नारायण, ये बाबा का दिया हुआ लक्ष्य है कि उसी जन्म में नर और उसी जन्म में नारायण। वो लक्ष्य कृष्ण और ब्रह्मा की सोल प्राप्त नहीं कर सकी नर से नारायण बनने का। कौन सा लक्ष्य मिला? कि मैं अगले जन्म में जाकर के प्रिंस बनूंगा। तो 16 कला संपूर्ण सतयुग का पहला प्रश्न तो बनता है। फिर जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी पैदाइश होती जाएगी, उनकी कलाएं घटती जाएंगी या वैसे ही बनी रहेंगी? घटती जाएंगी। इसलिए कहा थर्ड क्लास नारायण और थर्ड क्लास प्रजा। जैसा राजा वैसी प्रजा। बाबा शिव बाबा कहते हैं कि ये रुद्र माला के मन के जो है वो दिल से नहीं मिले हुए हैं, वो मजबूरी से मिले हुए हैं। बाबा ऐसी कौन सी मजबूरी जो मजबूरी से मिले हुए? ऐसी मजबूरी ये है एक होता है दिल और एक होता है दिमाग। देवात्माओं के पास ज्यादा दिमाग होता है कि दिल होता है? वो दिल वाले बाप के दिल वाले बच्चे होते। कैसे दिल वाले? सच्चे दिल वाले या झूठे दिल वाले? सच्चे दिल वाले बच्चे होते। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये आता है तन भी तेरा। क्या? सिर्फ कहने के लिए नहीं, तन तेरा। प्रैक्टिकल में परीक्षा ले तो भी तन तेरा। और तन के जो संबंधी हैं, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, वो तन का धन है या नहीं है? है? वो भी तन का धन है, वो भी तेरा। फिर स्थूल धन भी तेरा। क्या? फल कारखाना हो, दुकान हो, मकान हो,
आज है तो भी कुछ, अब कल खलास हो जाए और बाप ने कहा तुम इस काम में लगा दो और लगा दिया और वो खलास हो जाए, तो अगर तेरा बनाया है तो अवस्था अच्छी रहेगी, या तेरा तो मेरा बना लिया तो अवस्था अच्छी रहेगी। तो तेरा बनाया अंदर से, तो उसको हमने दिया बोझाने, मान लो गोल्डन फॉरेस्ट में लगाने वालों ने धन लगाया लगाया है? लगाया, बाप ने भी सारा धन लगाया जो भी हकीकत था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ले जाए ले गया, तो देने वालों को ये संकल्प आएगा कि अरे ऐसा सब बर्बाद हो गया, ये कोई भगवान की चीज तो है नहीं, क्या दिया तो हमने था, कमाया हमने था, हमको दिल का दर्द होगा या जिसको दिया उसको दिल का दर्द होगा? उनको दर्द होगा, होना चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, तुमने दिया तो तुम्हारा रहा ही नहीं, जब तुम्हारा है ही नहीं तो तुमको दुख क्यों होता है? जो निमित्त बना है लेने के वो दुखी होना चाहिए, परंतु वो दुखी होता है क्या है? वो भी दुखी नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो पहले ही तन मन धन सब तेरा, तो दुख नहीं होगा। अगर तेरे को मेरा बना लिया चालाकी करेगा तो दुख होगा, हाथ फेर भी होगा क्या? जैसे बेहद ब्राह्मण परिवार में बेहद के बच्चे पैदा होते हैं, उन बेहद के बच्चों को अगर अपना समझ लिया, मेरी बात माने, और वो बच्चे कोई कांटा चुभोने वाली बात कर देते हैं, दिल तोड़ देते हैं, तो दिल अगर टूट गया तो क्या कहेंगे है? क्या कहेंगे, हमने वो बच्चे भगवान के बनाए या अपने बनाए? अपने बना लिए, ब्रह्मा बाबा को हाथ फेल हो गया, दिल टूट गया ना, शास्त्रों में भी जिक्र आया है क्या के कृष्ण के पांव में, यानी बुद्ध रूपी पांव में किसी बहेलिए ने तीर मारा और वो प्राण पखेरु उड़ गए, और महाभारत का इतना बड़ा युद्ध कराने वाला एक तीर लगने से ही खत्म हो गया, तो तीर की बात ही नहीं है, फूल तीर की, ये तो बात की बात है, जिसको वो अपना समझते थे, क्या अपना अजीज बच्चा समझते थे, वो अपना जिसको समझे और वो ही ऐसी बात कहे जो दिल टूट जाए तो दुख होता है। अगर भगवान बाप का बनाए तो भगवान जाने, भगवान के बच्चे जाने, हमारे ऊपर कोई कुछ भी कहता रहे हमें उसका असर होने वाला नहीं। बाबा जी, हाँ जी, जो कृष्ण को जन्म देने वाले माता पिता हैं तो वो 150 वर्ष रहेंगे क्या? हैं? 150 वर्ष रहेंगे, सतयुग में 150 वर्ष की आयु है, सतयुग में लंबी आयु किस आधार पर होगी, उसका कोई आधार होगा कि नहीं होगा? निराधार बात है, संगम युग, संगम युग में, संगम युग में जो जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में वसुदेव देवकी बोलते हैं, हाँ जी, तो वो जन्म देंगे तो वो 150 वर्ष रहेंगे,
आप सतयुग के कृष्ण की बात कर रहे हैं या संगम युगी कृष्ण की बात कर रहे हैं? संगम युगी कृष्ण। उस कृष्ण की बात कर रहे हैं जिसके साथ कंस जरासंध शिशुपाल होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं? या जो कृष्ण सिर्फ देवताओं के बीच में जन्म लेता है, वहाँ कोई भी असुर नहीं होता, उस कृष्ण की बात कर रहे हैं? संगम युगी कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो संगम युगी कृष्ण को जन्म देने वाले के लिए मुरली में बोला है कि संगम युगी कृष्ण की बहुत महिमा है और उनको जन्म देने वाले की महिमा इतनी नहीं है। वो जेल में दिखाए जाते हैं, क्या वो विकारों की जेल में पड़े हुए हैं और कृष्ण स्वतंत्र हो गए, क्या कोई प्रकार का दुख नहीं? तो अरे द्वापर के अंत में कृष्ण को दिखाया है, है? कहते कृष्ण द्वापर के अंत में आए और महाभारी युद्ध महाभारत कराया और कलयुग की स्थापना हो गई, यही कहते हैं ना। शूटिंग पीरियड कौन सा है द्वापर युग का? ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में द्वापर युग की शूटिंग पीरियड कौन सा है? कब से कब तक है? अब दोबारा पट्टी कर लो, नहीं तो पट्टी कर ली कर्तुली लेकिन सब भूल गए। बच्ची में ये खास बताया जाता है कि ब्रॉड ड्रामा जो 5000 वर्ष का है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग चार सीन वाला, उस ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग तब होती है जब भगवान कलयुग के अंत में आकर के सत्युग बनाता है, तब रिकॉर्डिंग होती है और पूरे ड्रामा की रिहर्सल होती है। उस रिहर्सल में पहले देवतावन की शूटिंग होती है 40 वर्ष, क्या किसके द्वारा? मीडिया कौन बनता है? कृष्ण की टूल। इसी चक्र में राधा कृष्ण को दिखाया है ना, तो कृष्ण की आत्मा 40 वर्षों के संगम युग में निमित्त बनती है साकार में, और वो 40 वर्ष जब पूरे होते हैं तो ब्रह्मा कितने काम का हो जाता है? 7 साल में प्रवेश किया और 40 साल दूसरे, तो 76 में जो आदि ब्रह्मा है वो 100 साल का हो जाता है। ये आदि ब्रह्मा की बात हुई, और जो टाइटलधारी ब्रह्मा है, जो टाइटलधारी ब्रह्मा उसमें पहले बाप का प्रवेश होता है या ओरिजिनल ब्रह्मा में पहले प्रवेश होता है? ओरिजिनल ब्रह्मा में 36 में प्रवेश हुआ। उसने जो संस्था रची, जो संगठन बनाया, उसका नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं, ओम मंडली, जिसके लिए कहा जाता है कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बाद में टाइटलधारी ब्रह्मा जब आता है, दादा लेखराज कृष्ण में जब शिव की प्रवेशता होती है तो कराची से मुरली निकलती चली आई। उस समय से किसी की बुद्धि में कोई बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये बात आई और ब्रह्मा ने उस बात को सपोर्ट किया कि ओम मंडली नाम खड़ा क्या रखना चाहिए? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। प्रजापिता क्यों हटाई दिए? प्रजापिता का नाम क्यों हट गया? प्रजापिता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। कारण क्या? क्योंकि ब्रह्मा खुद ही नहीं जान सके अपने रचयिता को। ब्रह्मा का रचयिता बाप कौन? वो ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं आया। इसलिए 1945 से लेकर के जो फाउंडेशन बुद्धि में पड़ा वो माउंट आबू में आने तक
और दिल्ली में पहला सेंटर खुलने तक वो गुप्त रहा, अंदर अंदर जानते रहे कि ये ब्रह्मा है, लेकिन पब्लिक ने तब जाना जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ गया और लोगों को समझाया गया कि ब्रह्मा के द्वारा इस संस्था की शुरुआत होती है, ब्रह्म निमित्त बनता है, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ गया। वो जो टाइटलधारी ब्रह्मा है वो सन 47 से उसने शिव ने प्रवेश किया तब नाम पड़ा ब्रह्मा, उससे पहले उनका नाम ब्रह्मा नहीं था और न कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी थे। ओम मंडली के सत्संगी थे लेकिन कोई नहीं जानता था कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो जो टाइटलधारी ब्रह्मा है नंबर दो का ब्रह्मा, आज ब्रह्मा नहीं, उसकी आयु 100 साल कब पूरी होती है? 47 में 7 साल, तो 100 साल आयु कब पूरी हुई? 87 में पूरी होती है। 88-89 में वो आत्मा मृत्यु लोक में ब्रह्मा समाप्त होने के हिसाब से कौन से लोक में जाती है? अमर लोक में जाती है। उस अमर लोक का चित्र दिखाया हुआ है शास्त्रों में, पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में बड़े आराम से स्मृति का अंगूठा चूसता हुआ चक्र का चित्र दिखाते हैं। वो पीपल का पत्ता कौन? जगदम्बा का पार्ट है वही पीपल का पत्ता है। पीपल पात कर समान डोला, जैसे पीपल का पत्ता खोड़ी हवा चले या ना हले फिर भी हिलता रहता है, ऐसे ही वो आत्मा बहुत हिलती डुलती है लेकिन बाप का विरुद्ध है, नैया हिलेगी धुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि खिवैया साक्षात बाप है, बिठैया साक्षात कृष्ण की आत्मा है। उस गर्भ महल में 88-89 में किसने प्रवेश किया है? कृष्ण की सोल, ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करके जब 9-10 वर्ष पूरे होते हैं 98 में तो गर्भ महल से बाहर आती है। बाहर आती है तो बाहर आना माने प्रत्यक्ष होना। ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में एडवांस पार्टी में वो कृष्ण की आत्मा जेल से प्रत्यक्ष होती है, वो एक ही दिन है जब 15 अगस्त का दिन होता है स्वतंत्रता दिवस। सबकी स्वतंत्रता कब होती है? है संगम भी कृष्ण के टाइम पर सच्ची स्वतंत्रता कहे या सन 47 में सच्ची स्वतंत्रता कहे? सन 47 वाली स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता हो गई भारतवासियों के लिए। तो पहली स्वतंत्रता तब हुई जब संगम भी कृष्ण उर्फ कौन राम वाली आत्मा जिसमें प्रवेश हो करके कृष्ण की आत्मा जेल से प्रत्यक्ष होती है, मुक्त हो जाती है। उस दिन जन्माष्टमी भी होती है और उसी दिन 15 अगस्त भी होता है। फिर बाद में अध्यक्षवाणी में बोला उस बच्चे के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं, बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होंगे या दुनिया वालों के सामने प्रत्यक्ष होंगे? बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो गया उस समय अद्वैतवाणी में बोला और दुनिया वालों के सामने गुप्त हो गया। मतलब ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि वहां
बाप कब और कहां कैसे पार्ट बजाएगा। बाकी जो कच्चे ब्राह्मण है बेसिक वाले या दुनिया वाले, वो नहीं जानते हैं कि बाप अभी साकार में प्रैक्टिकल पार्ट बजाए रहा है। तो वो संगम भी कृष्ण की बात है, लेकिन वो पक्का ब्राह्मण का जन्म नहीं कहेंगे। ब्राह्मण पक्का कब कहा जाता है? गर्भ से जन्म लेने से ही पक्का ब्राह्मण हो जाता है, ब्राह्मण बच्चा कहा जाता है, या यज्ञों पर भी धारण करता है तब पक्का कहा जाता है। यज्ञों पर भी धारण करे माने ज्ञान के तीन सूत्र धारण कर ले। कौन से तीन सूत्र? ब्रह्मा द्वारा कैसे नई दुनिया की स्थापना होती है, शंकर द्वारा कैसे ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का संहार होता है। पुरानी दुनिया में कुंभकर्ण रावण मेघनाथ संप्रदाय वाले आसुरी ब्राह्मण भी होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे ना। और भारी से भारी तादाद में होंगे या थोड़े होंगे? भारी से भारी तादाद में होते। और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण पुरुषार्थी ब्राह्मण थोड़े होते, उनको एडवांस पार्टी कहा जाता है। तो दो ग्रुप हो जाते हैं ब्राह्मणों के, उनमें जो पक्का ब्राह्मण जो कृष्ण के रूप में संगम युग में पार्ट बजाने वाला है, वो तब कहा जाता है जब संसार में प्रत्यक्षता हो संगम युगी कृष्ण की। बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, माना संगम युगी कृष्ण जब तक प्रत्यक्ष न हो तब तक शिव बाप की भी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। बाप का ये विरुद्ध है, फादर सोल सन, और बच्चों का विरुद्ध है सन सोल फादर। ज्यादा पावरफुल कौन है? बाप ज्यादा पावरफुल है तो बच्चे को पहले प्रत्यक्ष करता है, लेकिन तब प्रत्यक्ष करता है जब वो तीन ज्ञान के सूत्र पूरे पूरे धारण कर ले जीवन में। अगर धारणा प्रत्यक्ष नहीं होती है तब तक वो बच्चा भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता और बाप भी संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो 2018 का टाइम निश्चित होता है, इसलिए मुरली में बोला है 18-20 वर्ष लगते हैं कृष्ण को राज्य गद्दी पाने में। क्या वो कहां के लिए बोला? संगम युग की बात बोली या सतयुग की बात बोली? संगम की बात बोली। प्रत्यक्षता हो जाएगी तो सारी दुनिया सर झुका देगी, मानेगी कि ये विश्व पिता बनने वाला है, विश्व का मालिक है। तो संगम युगी कृष्ण के लिए बात है कि उसके माँ बाप कहाँ है? है जेल में है, अभी भी विकारों की जेल में, विकारों की जेल से मुक्त नहीं हुए। उनको ज्यादा पावरफुल नहीं कहेंगे। पावरफुल कृष्ण है या कृष्ण के माँ बाप? कृष्ण ज्यादा पावरफुल है। बाबा आदि में जो यज्ञ में सत्संग पड़ा तो जगत पिता यज्ञ छोड़ के चले गए, लेकिन जगत माता ने उनका साथ नहीं दिया, ब्रह्मा बाबा का साथ दिया उन्होंने। आदि में सो जो आदि में हुआ सो तो अंत में, जिसने आदि में सहयोग नहीं दिया होगा तो अंत में सहयोग देगा क्या? नहीं। जो महाकाली का पार्ट है वो तामसी पार्ट है या बाप का सात्विक पार्ट है? तामसी पार्ट
शक्तियों को पाठ कौन सा बजाना है? आत्म संगारिणी का पाठ बजाना है। तो आज में भी साथ नहीं दिया तो अंत में भी साथ ही नहीं बन सकती। और बाबा एक जैकेट में बोला है वस्त्र भी नहीं होगा जो वाइब्रेशन फैलाए। आत्मा नंगी है या वस्त्र वाली है? माता को बताने है? नंगी है। उसका वस्त्र कौन सा है? सत्युग में जो आत्मा नंगी होती है, अभी भी आत्मा नंगी है, लेकिन कोई अपन को आत्मा समझता नहीं है। अभी हमने तो समझा है या नहीं समझा है? समझा है। आत्मा नंगी है। फिर जो बेसमझ है उनकी बुद्धि में स्थूल वस्त्र की बात होगी या बेहद की वस्त्र बात होगी? है बेहद के वस्त्र की बात आनी चाहिए ना। सत्युग में कौन सा वस्त्र होता है? जो कंचन काया जैसा होता है, शरीर ही कंचन बन जाता है, वही वस्त्र है। वस्त्रों की जरूरत कब होती है? देहवान होता है, देहवान आता है धन बना के, तो दीवाने बनाते हैं भाई, कमरा बनाओ, पर्दे डालो, कोई देख ना ले हमारे देहवान को, यही होता है ना। तभी तो कपड़े पहनते हैं, पर्दे डालते हैं। शरीर में पर्दा क्यों डालते हैं? देहवान के कारण। अच्छा मकान क्यों बनाते हैं? सत्युग में तो न बरसात होगी ओलों की, पत्थरों की बरसात नहीं होगी, वहां बेहद गर्मी भी नहीं होगी और बेहद सर्दी भी नहीं होगी। तो मौसम की वहां मार न होने की वजह से वहां कोई मकान की दरकार नहीं है, और यहाँ तो मकानों की दरकार है। चलो मौसम कहीं कहीं इस दुनिया में सदाबहार भी है, लेकिन मौसम तो सदाबहार है फिर भी मकान बनाते हैं, किस लिए? देवान के लिए। चोर डकैत, उससे तो सबको आज की दुनिया में डर है, तो सुरक्षा के लिए मकान बनाते हैं। तो ये स्थूल कपड़े और ये स्थूल मकान, ये देवताओं को दरकार नहीं है। वहां संगठन रूपी किला बढ़िया होता है, वहां वस्त्र सोने जैसा वस्त्र होगा, कोई के अंदर देहभान नहीं होगा। तो अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। और बाबा आशी मुझे बताया है कि नौ ग्रह होते हैं, दूसरा ग्रह जो है चंद्रमा, चंद्र ग्रहण जो है बताया है कि अमावस्या के दिन होता है। नहीं नहीं, चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन होता है। हाँ तो पूर्णिमासी के दिन होना चाहिए। कौन बताया है कि मुझे में कि अमावस्या के दिन होता है? हाँ तो ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश करके बोल दिया होगा, इंटरफियर करके बोल दिए कि नहीं। अरे ये तो सब एडवांस वालों की बुद्धि में है, अच्छा एडवांस वालों को छोड़ दो, दुनिया वालों की भी बुद्धि में कि ग्रहण चंद्र ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है, यह पूर्णिमासी के दिन होता है। और हमारी रेल है बाबा संकल्प की, हमारी रेल संकल्प की निराकार स्टेज पे जाके रुकती है, तो चित्रों का वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा। माने क्या होगा बाबा? माने चैतन्य चित्र तैयार हो जाएंगे। जर चित्रों का वाइब्रेशन अच्छा या चैतन्य चित्रों को समझाना अच्छा? चैतन्य चित्र सामने होगा तो लोगों को समझाना अच्छा होगा, जल्दी लोगों को समझ में आएगा। और जर चित्र हम दूसरों को समझाए रहे हैं, प्रैक्टिकल में करने वाला कोई चित्र ऐसा चैतन्य है ही नहीं, तो लोग मानेंगे है? नहीं मानेंगे। और बाबा आत्मरोग से सुई की कट उतरना माने के संपूर्ण बनना होता है? नहीं, कैसे? ये बेसिक ज्ञान है तो बेसिकली कट उतरेगी, ये एडवांस में उतर जाएगी। हायर क्लास में हायर कट कैसे भी है,
बेसिक में थे तो हमारी वृत्ति इतनी खराब नहीं होती थी, एडवांस में आ गए ज्यादा ज्ञान मिल गया तो हमारी वृत्ति बहुत खराब होने लगी। अरे माया क्या कहती है, माया किससे ज्यादा युद्ध करती है, बड़े महारथी से रुस्तम बनकर के युद्ध लड़ती है, और जो छोटे छोटे होते हैं ज्यादा में युद्ध करती है। और बाबा जी साक्षात्कार से कोई फायदा भी नहीं, साक्षात्कार से कोई दरकार भी नहीं, दरकार है सिर्फ निराकार शिव ज्योति बंधु परम पिता परमात्मा, हाँ। क्योंकि वो बाप बनकर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, आते ही हाँ। क्या शिव इस सृष्टि पर आते ही किसी साकार तन के द्वारा अपने आप अपने को प्रत्यक्ष उस समय नहीं कर सकता, जम दे जाम दे नहीं हो सकता, हथेली पे आम नहीं जमाया जा सकता, इसलिए वो साक्षात्कार की चाबी बाप किसी को नहीं देते, अपने पास रखते हैं। बाबा जब लक्ष्मी आएगी तो उनके पीछे जो भी आत्माएं आएंगे तो वो कंपनी में जाकर भर्ती करने के बाद डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे सुविधा या शांति धाम में तपस्या करना शुरू करेंगे। सुखदेवा और शांति देवा ये अलग अलग होते हैं या एक ही होता है, है? एक ही के दो रूप हैं, सुख प्योरिटी से आता है क्या, और योग की पावर से शांति आती है। तो जो शांति दे रहा है वो शांति धाम में पहुंचेगा, और विष्णु कहाँ पहुंचेगा, सुखधाम में पहुंच, सुखधाम और शांति धाम के गेट साथ साथ खुलेंगे या आगे पीछे खुलेंगे, साथ साथ खुलेंगे। योग से शांति आती है, लेकिन जैसे जैसे ब्राह्मण की दुनिया में योग बढ़ता है तो बाहर की दुनिया में शांति होती है। सच्चा योग बढ़ ही नहीं सकता जब तक समान पुरुषार्थी की पहचान न हो, क्या है सच्चा प्यार कब पैदा होगा, लव कब पैदा होगा, सच्चा लवलीन कब होगा, शादी भी होती है तो एक बहुत मोटा हो लंबा चौड़ा हो और दूसरा बहुत छोटा पतला दुबला हो तो प्यार पैदा होगा नहीं होगा। तो यहाँ भी पुरुषार्थी जीवन में समान पुरुषार्थी चाहिए। और महापति का मतलब क्या है, महापति का पाठ किसका है बाबा, सप्त किसे कहते हैं, सप्त माना क्या, सप्त का कनेक्शन प्योरिटी से है या नहीं है, है? एक कहते हैं महागौरी और एक कहते हैं महाकाली, महागौरी वो सच्ची कही जाएगी सत्ययुग स्थापन करने में सबसे जास्ती सहयोग देने वाली, या महाकाली कही जाएगी, है महाकाली विनाश करेगी और महागौरी नई दुनिया की स्थापना करेगी, प्योरिटी से होती है स्थापना, क्या सत्य बाप आते हैं तो सत्ययुग स्थापन करते हैं, वो सत्य बाप कैसा प्योर है, एवर प्योर है, तो एवर प्योर दुनिया की स्थापना करता है किसके द्वारा, विष्णु के द्वारा, क्या वैसे भी शक्ति चाहिए, वो शक्ति ऐसी आत्मरूपी शक्ति होनी चाहिए जो जन्म जन्मांतर एक के साथ वर्ण होकर के रही है, 84 जन्मों में भी उसका कोई दूसरा पति नहीं हुआ। अरे 500-700 करोड़ मन से आत्माओं का ये रंगमंच है, उसमें कोई तो एक आत्मा ऐसी होगी जो जन्म जन्मांतर के लिए जिसका विरुद्ध हो शास्त्रों में, क्या जन्म जन्म लगी रगर हमारी बनो शंभु नतु रहो कुंवारी, कम से कम एक आत्मा का पाठ होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, वो सच्ची है।
बाकी सब झूठी बैठ के हो गई नंबर वन। तो शंभू ने भी जन्म जन्म फिर एक ही को भरा होगा ना बाबा। शंभू पुरुष है या स्त्री है? स्त्री सुपनखा है, कुतनाएं होती है मोस्टली, या पुरुष सारे ही दुर्योधन दुशासन होते हैं? चाहे वो शंकर हो और चाहे वो ब्रह्मा हो, ये पुरुषतन है या स्त्री चोला है? पुरुषतन है। ब्रह्मा का अगर पुरुषतन न होता तो उनके भी मंदिर बने होते, मूर्तियां बनी होती, उनकी भी पूजा होती होती मंदिरों में। लेकिन ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनती क्योंकि पुरुष चोला था, पूजा नहीं होती। अपना चोला छोड़ करके वो कोई माता में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं तब जगदम्बा के रूप में पूजा होती है। अब उसका नाम चाहे ब्रह्मा का हो, बड़ी अम्मा, ब्रह्मा ने बड़ी माँ बनी, और चाहे जगदम्बा को सारी जगत की अम्मा। अष्टदेव अलग और अष्टरतन अलग अलग क्या बाबा? भी आठ धर्म के भी दो, इसमें भी आठ धर्म के भी दो थे क्या? जो अष्टदेव है वो देवता है, और देवताएं 84 जन्म लेने वाले 16 कला संपूर्ण होते हैं, अखर सूर्यवंशी के होते हैं, या कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले भी होते हैं, अखर सूर्यवंशी होते हैं, सिर्फ आखिरी जन्म में जाकर के माया उनको पछाड़ती है। इसलिए वो सूर्यवंश लेते ही जो माला के 12 पहले मणके हैं उनमें से 8 मणके हैं जो अष्टदेव कहे जाते हैं, वो देव है सारे ही सूर्यवंशी, सब हीरो पाटधारी है, सब हीरे हैं। और रत्नों में कोई हीरा है तो कमकीरत वाला, कोई माणिक्य है, कोई मूंगा है, कोई पन्ना है, कीमत उनकी कम होती जाती है या एक जैसे कम कीमत वाले हैं? बिल्कुल चंद्रमा होने को होता है ना, चंद्रमा चंद्रमा जब संपूर्ण होने को होता है तो राहु से ग्रस्त रहता है, इसका मतलब क्या है बाबा? इसका मतलब ये है कि चंद्रमा जब संपूर्ण होने को होता है तो फाइनल परीक्षा होती है। क्या? जब पूर्णमासी होना होती है तो एक तरफ चंद्रमा जो है वो अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है, यही होता है। एक तरफ संपूर्ण चंद्रमा अस्त होने जाता है तो दूसरी तरफ यानी सूर्य उदय होने जाता है। अभी चंद्रमा कितने प्रत्यक्ष हो रहा है? नहीं नहीं, जगदम्बा में तो बाद में प्रत्यक्ष, जब घनघोर मार काट मचाएगी, अनिश्चय बुद्धि बनेंगे, मरेंगे आसुरी संस्कार वाले, तब पता चलेगा कि जगदम्बा ने महाकाली का रूप धारण किया। अभी गुलजार में कौन सी सोल पार्ट बजा रही? ब्रह्मा पार्ट बजा रही। कोई पूछते हैं ये गुलजार दादी में ब्रह्मा कब तक आते रहेंगे, जैसे उनके ऊपर बड़ा भारी लोड पड़ गया। अरे तब तक आवेंगे जब तक चंद्रमा संपूर्ण बने, एक तरफ संपूर्ण चंद्रमा बनेगा दूसरी तरफ सूर्य उदय होगा। ब्रह्मा धर्म, ब्रह्मा जो है तो धर्म राज का पार्ट को जाएंगे। बिल्कुल। तो प्यार का पार्ट किसने बजाया? प्यार का पार्ट बजाया, बजाया जो प्यार का पार्ट बजाया वो मारेगा नहीं, उसने तो प्यार का पार्ट बजाया और बच्चों ने उसकी जान ले ली। तो बच्चों ने जान ले ली? हाँ, बच्चों ने बाबा को थोड़ी तकलीफ दी, थोड़ी तकलीफ दी, जान ले ली और थोड़ी तकलीफ दी, जान ली। हाँ, इन्होंने ज्यादा ही तकलीफ दी, ज्यादा तकलीफ। धर्म राज का पार्ट बजाएंगे, वो जो प्यार का पार्ट बजाएगा अति का, वो अति की मार का भी पार्ट बजाएगा, हिसाब किताब पूरा नहीं करेगा। हाँ जी बाबा, ब्रह्मा वाली सोल जिसने इतना सहन किया इन आसुरी बच्चों का,
जिन आसुरी बच्चों ने ब्रह्मा की गोद में पालना ली, वो सूर्यवंशी बच्चे नहीं थे। कौन से बच्चे थे? चंद्रवंशी थे, इस्लामवंशी थे, बौद्धवंशी थे, और वो अभी भी पालना ले रहे हैं। ये बात तो ठीक है। तो जिन्होंने इतनी पालना ली और वो कर्म क्या कर रहे हैं अभी तक? भीख मांग रहे हैं कि नहीं? मांगने से मरना वाला। तो ऐसे तो मुए भरे वो पत्ता बच्चा, बाप क्या कहेगा? जो बाप का नाम बदनाम करे ऐसा तो बच्चा मुंह भला। हाँ आप बताइए क्या कह रहे हैं? कहने का भाव तो इतना से था कि जैसे अभी भक्ति मार्ग में बोलते थे बदले की भावना नहीं होना, कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे, तो फिर थोड़ा सा ऐसा कि ये बदले की भावना में नहीं गिना जाता है, ये बदले की भावना में नहीं गिना जाता है। धर्मराज का जो पार्ट है वो पापों को खत्म नहीं करेगा? अरे पापों को खत्म करना अच्छा काम है या बदला ले लिया? तो काहे के लिए? अरे पाप खत्म होंगे तभी तो बाप के घर में जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? इन्हें एक एक दुख की बात नहीं है, सबकी सबके लिए। ये सभी के लिए, आप के लिए नहीं है बाबा? बोला शंकरा और तुला बेला के बेला के पाना माना हिंदी में शंकर कहते हैं। ये भोले शंकर को बेले के बेल के तीन पत्ते की जरूरत होती है। इसी में है ना शंकर जी बहुत खुश होता है तीसरा बेल का। बेल का पत्ता माने जैसे षष्ठी के पत्ते होते हैं, जब नई षष्ठी रखी जाती है तो पहले पहले कौन से पत्ते होते हैं? ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तीन पत्ते तो जरूर चाहिए। अगर ये तीन पत्ते नहीं होंगे तो ब्राह्मणों की शक्ति नहीं रची जाएगी। कौन कौन? ब्रह्मा, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वाला, शंकर आसुरी शक्ति का विनाश करने वाला या कराने वाला, और तीसरा नई शक्ति की पालना करने के लिए वैसे भी शक्ति चाहिए, पवित्रता की देवी महागौरी, फिर उससे पहले चाहिए महाकाली जो कीड़े मकोड़ों की सफाई कर दे। ये चार विशेष आत्माएं हैं जो भुजाओं के रूप में दिखाई जाती है। विष्णु की भुजाए है ना, और पांचवी आत्मा है सर्वोपरि जो उन भुजाओं को चलाने वाली है, जिसको कहते हैं शिवशंकर भोलेनाथ। ये तीन पत्ते हैं, शिव अकेला नहीं आता। शिव की आत्मा इस शक्ति पर आती है तो अकेली आती है क्या? किसके साथ आती है? तीन पत्तों के साथ आती है। बाबा महाराष्ट्र में पंढरपुर है, तो पंढरपुर में विठ्ठल रुक्माई का मंदिर है, तो वो विटे पर उभा दिखाते हैं और आभूषण से परिपूर्ण दिखाते हैं, आभूषण से परिपूर्ण दिखाते हैं विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में, तो किसके आप जा रहे हैं? भक्ति मार जा रहे, सारे ही देवता काले दिखाते हैं। काला नहीं दिखाया जाता, राम काला नहीं दिखाया जाता, जगन्नाथ काला नहीं दिखाया जाता, श्रीनाथ काला नहीं दिखाया जाता, और सारे ही में काले पन में ही रह करके पुरुषार्थ किए। गोरे बन जाए तो दुनिया समझ लेना उनके पाठ को। तो पंढरपुर में क्यों स्थापन हुआ बाबा? तो यादगारें अलग अलग हर गांव गांव में, शहर शहर में कृष्ण की यादगारें बनी हुई है, ये क्या बड़ी बात हो गई? और ब्रह्मपुत्र ऊंची ऊंची स्टेज से बहती होते बाबा? हाँ जी। तो ब्रह्मपुत्र वाली सोल कौन सी है बाबा ऐसी की जो ऊंची ऊंची स्टेज से बहती है? अच्छा, नीची स्टेज किसे कहेंगे और ऊंची स्टेज किसे कहेंगे? राहु की दशा ने पकड़ लिया तो कहेंगे पांच मार से नीचे गिर गए तो नीची स्टेज, और कभी भी पांच मार से नीचे नहीं गिरे।
कैसी सेज रही? ऊंची ऊंची सेज रही। किसकी दशा के नीचे रहे? पति की दशा के नीचे न भी रहे हो, चलो चंद्रमा की दशा के नीचे रहे हो, लेकिन गिरती कला इतनी नहीं हुई जो सर्वनाश हो जाए। तो चढ़ती कला कहते हैं प्योरिटी को, क्या लक्ष्मी वाली आत्मा के लिए बोला था एक विजिटी में, उसको कहेंगे ब्रह्मसूत्र। ऊंची ऊंची स्टेज कौन कहती है? उनकी स्टेज को डाउन कोई नहीं कर पाया। नौ ग्रहों में से दो को छोड़ करके और कोई के संग के रंग में आती है क्या? या तो ब्रह्मा के संग के रंग में आती, या तो ज्ञान सूर्य के संग के रंग में आती। बाबा हाँ। एक महीने भी दो गणपति क्यों बिठाते हैं? एक महीने में दो गणपति क्यों बिठाते हैं? गणपति गणेश 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 जी बिठाते हैं भाद्रपद में, गणेश जी बिठाते ना अभी एक ही महीने में। क्या अंतर होता है? मराठी लोग ज्यादा जानते होंगे। अरे प्रश्न जो बोल सकते हैं उनका जवाब तो पहले दे देंगे, जो बोल नहीं सकते भूल गए हैं उनका जवाब भी दे देंगे बाद में। ये बेहद में क्या होता है? क्या दो गणपति नहीं कि मतलब क्या है? क्या क्या करते भक्ति वाले? एक गणपति की सुन इस तरफ होती है, एक गणपति की उस तरफ होती है। नहीं वो तो हाथ दिखाते हैं, वो तो एक तरफ दिखाते हैं और हाथ को दूसरी तरफ दिखाते हैं। बाबा ये शुक्ल पक्ष की जो है पहला गणपति होता है। अरे सत्य बताइएता में जो पाठ बजाता है राइटियस पाठ बजाता है, और द्वापर कलयुग में पाठ बजाता है वो लक्ष्मी का पाठ बजाता है, जानवर का पाठ बजाता है, आत्मा एक ही रहती है। बाबा जी प्रकाश ये देसी वाले बोल रहे हैं कि प्रकाश में दादी एडवांस में आई है। ब्रह्मा बाबा कहाँ गए? उनके बाप कहाँ गए? जहाँ बाप जाएगा वहाँ बच्चा भी जाएगा। और वो एडवांस समझ रहे हैं सूक्ष्म वतन को है? वो एडवांस फिर एक माता ने बोला कि एडवांस में तो ये हमारे ही हम है, वो ही एडवांस में है राम बाबा का। तो साकार में नहीं नहीं अभी जो अपना एडवांस ये है ना तो इसमें तो बोले नहीं यहाँ नहीं बोले सूक्ष्म वतन में एडवांस वो है जिसका ज्ञान में कोई मुकाबला न कर सके। क्या ज्ञान की बातों में जो बीके हैं वो ज्ञान आमने सामने लेन देन करने में कतराते हैं या भाग जाते हैं? तो एडवांस कौन हुए एक मुरली ने पी पी डी के लिया सर बोला है, एक मुरली ने बोला है पी पी तीन बार पी बोला है और के बोला पी पी डी के बोला है पी पी तीन बार पी पी डी के ऐसे क्यों बोलते हैं? पहला पी तो हो गया आत्माओं का बाप, दूसरा पी हो गया मनुष्यों का बाप जो यज्ञ के आदि में था, और तीसरा पी हो गया वो जो संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। बाबा शिव के मंदिर में अग्नि के फूल चढ़ाए गए और गुलाब के फूल तो अभी तक नहीं मिले, तो बाबा उसका प्रतिफल जो पंडा है जो माली है वो लाने को उसके उसके ऊपर पड़ता है क्या? देखो जो दुर्गंध छोड़ने वाले होंगे, जो खुद ही दुर्गंध छोड़ने वाले होंगे विकारों की, तो दुर्गंध वाले फूल पैदा करेंगे या सुगंध वाले फूल पैदा करेंगे? तो दुर्गंध वाले ही अर्पण करेंगे, और जो खुद सुगंध वाले होंगे पवित्रता की जिनमें खुशबू निकल रही होगी, दिव्य गुणों की खुशबू निकल रही होगी, वो रचना भी कैसी तैयार करेंगे? गुणों की रचना तैयार होगी तो शिव के ऊपर जब रुद्रमाला का प्लानिंग पार्टी प्रत्यक्ष होती है राजाओं की, तो वो जन्म जन्मांतर के अपवित्र हैं,
इसलिए वो अपवित्र आत्माओं को ही इकट्ठा कर पाते हैं। क्या लंगड़ों को ही इकट्ठा करते हैं, ये लंगड़ों की पार्टी है। और जब विजय माला के मन के निकलते हैं, उनमें ज्ञान तो नहीं है लेकिन गुणों की धारणा अच्छी है, प्योरिटी की पावर अच्छी है, तो वैसी आत्मों को अर्पण करते हैं, उनको कहा जाता है गुलाब का फूल। इसलिए शिव के मंदिर में जब श्रावण मास होता है तो खास कौन से फूलों से सजाते हैं, है? गुलाब के फूलों से सजाते हैं। और ऐसे रोजमर्रे के जीवन में अकबी अर्पण कर देते हैं, लंबे छेद वाला क्या धतूरे का फूल वो भी अर्पण कर देते हैं, दोनों में दुर्गंध निकलती है ना, विकारों की बात आती है, विविचार की बात आती है। हाँ? अब आवर नंबर के जो भक्त होते हैं तो नारद और मीरा का जो मिसा गया वो कौन है बाबा? अव्वल नंबर के जो भक्त बोलते हैं बाबा कि मीरा नारद और मीरा का मिसा को दिया है। मीरा कहते हैं शाहजादी को और नारद कहा जाता है। नार माने जल, ज्ञान जल, और दा माने देने वाला। क्या दूसरे पर ज्ञान जल देता है लेकिन खुद स्वर्ग में ठहरता नहीं है, दुनिया में घूमता रहता है कांटों के जंगल में। शंकर को बात की खाल हो रही थी बताती पाठ कैसा बजाता है अपने भारत का जो नेशनल वो पशु है वो कौन सा है? नेशनल पशु बाघ, तो जरूर बाघ जैसा पाठ बजाया होगा। क्या अभी टाइम हो गया?